ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत। तू मुझे कैसे है जीना सिखा दे, तेरे वचनों पे कैसे है चलना सिखा दे। यीशु तू मुझे कैसे है जीना सिखा दे, तेरे वचनों पे कैसे है चलना सिखा दे। पतरस के जैसा बना दे, पानी पे चलना और संभलना सिखा दे। गिरता हूँ मैं हर मोड़ पर संभाले, मुझको तू राह पर चलना सिखा दे। यीशु तू मुझे तेरे ही जैसा बना दे, सच्चाई के मार्ग पर मैं चलूं समर्थ दे। तेरी भेड़ों का चरवाहा बनूं अभिषेक दे, तेरी इच्छा को मैं पूरा करूं ऐसा कर दे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
यीशु तू मुझको इब्राहिम जैसा आशीष दे, विश्वास में आगे आगे ही बढ़ो ऐसा कर दे, डरो न किसी भी मोड़ पर शक्ति दे, आगे ही बढ़ो तेरी राह पर चला ले। मानसून में कभी एकदम से बारिश होकर गर्मी हो जाती है, तो कभी उमस भरी गर्मी सबके होश उड़ा देती है। इसके अलावा इस मौसम में कुछ ऐसे आम सेहत संबंधी समस्याएं होती हैं जिनकी ओर ध्यान ना देने से मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। बारिश के मौसम में कई तरह के इन्फेक्शन होने का भी खतरा बना रहता है। अक्सर बारिश के बाद ज्यादा देर तेज धूप में रहने से भी शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सावधानियां रखना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि आप मानसून में मौज करते हुए बीमारियों से बचे रहें। आम समस्याएं, हाइड्रेशन, हीट एग्जेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और डायरिया इस मौसम की ही आम समस्याएं हैं। हालांकि इनको अगर समय रहते पहचान लिया जाए तो गंभीर रूप लेने से पहले ही आसानी से रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर कभी रोज के जीवन में आपको टांगों की परेशानियां या ऐंठन या थकान या कमजोरी महसूस हो तो उसे अनदेखा ना करें। हाइड्रेशन, इसमें शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है जो कि इस मौसम की आम समस्या है। इससे आपको हीट एग्जाइन की समस्या भी हो सकती है। दरअसल इस मौसम में पसीने आदि के रूप में हमारे शरीर से रोजाना काफी पानी निकलता हो रहता है, लेकिन ज्यादा प्यास लगना, चक्कर आना, थकान व कमजोरी, पेशियों की ऐंठन और मुंह सूखना आदि हाइड्रेशन के लक्षण हैं। वहीं बच्चों में चिड़चिड़ापन, मुंह और जीभ सूखना, ताकत की कमी, कम बार या बिल्कुल टॉयलेट ना जाना, गालों, पेट या आंखों का धंसना, तेज बुखार और चुटकी काटने पर भी मांस का जल्द समाने ना होना आदि इसके लक्षण हैं। सावधानियां, मौसम के बदलाहट या धूप में ज्यादा देर रहने पर तरल लेते रहें, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाए रखने के लिए ताजे फलों का जूस पिएं, उबालकर ठंडा किया हुआ
पानी पीना ही ठीक रहता है। प्यास ना लगने पर भी थोड़े थोड़े देर में पानी पीते रहें। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो आइए पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुनने से पहले और एक गीत सुनते हैं। रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधव का नमस्कार। मित्रों, गलतियों दोष के 20 वचन में लिखा है, अब से मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है।
हमारा स्वर्ग पिता ये चाहता है कि हम सिद्ध बने जैसा वो स्वयं सिद्ध है। उसने अपने पुत्र में ये सिद्धता हमें दी है। यीशु ने क्रूस पर जान दी कि हमें ना केवल पापों की क्षमा मिले परंतु इसलिए कि वो उसके साथ मर जाए। वो हमारे बदले में मरा, वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में भी मरा। प्रभु यीशु की मृत्यु हमारा प्रतिनिधित्व करने वाली और उसमें हमें शामिल करने वाली मृत्यु थी। रोमियो 6:1 और उसका 11 वचन, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान में हमें स्वयं को पहचानना होगा। प्रत्येक जो इस पृथ्वी पर अपने उद्धार कर्ता के समान जीवन जीना चाहता है उसे अवश्य है कि मसीह के साथ स्वयं की पहचान के इस सत्य को सीख ले। 2000 वर्ष पूर्व जब मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तब हम भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। मसीह के साथ हमारी पहचान का प्रथम चरण है। रोमियो 6:3 वचन में लिखा है, मेरे मित्रों इस शब्दों को आप ध्यान से सुने, ये परमेश्वर का वचन है, मेरा वचन नहीं। यहां लिखा है रोमियो 6:3 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा भी लिया है। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। रोमियो 6:4 पद में ये लिखा है, यीशु के पुनरुत्थान में हम भी उसके साथ शामिल थे। यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। रोमियो 6:5 वचन, यीशु हमारे पापों की क्षमा के लिए मरा, वे हमारे विजय के लिए जी उठे। मसीह का जीवन हम में रोपित किया गया है ताकि हम भी नए जीवन सीखी चाल चलें। रोमियो 6:4 वचन में लिखा है, मसीह जीवन का अर्थ है मसीह का हम में और हमारे माध्यम से जीवित रहना। पौलुस के शब्दों में, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों 2:20 वचन में लिखा है, हम मसीह के साथ मारे गए जी भी उठे। अब आगे सुनिए इफिसियों 2:5:6 वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ जिलाया, ऊपर उठाया और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में उसने हमें बैठाया। मसीह ने हमें, परमेश्वर ने हमें जिलाया, ऊपर उठाया और मसीह के साथ स्वर्ग स्थानों में बैठाया। हमारा परमेश्वर चाहता कि हम उन स्वर्ग स्थानों में बैठे जहां वो बैठा है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। यीशु ने जी उठने के बाद क्या किया, उसने अपने चोट खाए, क्षत विचित शरीर को अनंत बलिदान के रूप में अपने पिता के सम्मुख चढ़ा दिया। इसी प्रकार हमें भी अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाना है। रोमियो 6:13 वचन में लिखा है, अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर
परमेश्वर को सौंप दो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। मेरे मित्रों, वास्तविक रूप से जयवंत मसीही जीवन यहां आरंभ होता है। हमें चाहिए कि बिना शर्त हम स्वयं को उसे सौंप दें, ताकि जो वो चाहता है वो सब कुछ या कुछ भी करे। मेरे मित्रों, इतना ही नहीं, हमें ये विश्वास भी करना है कि हम मसीह में सिद्ध बनाए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता कि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है, कि तुम उसमें पूर्ण किए गए हो। विजय का रहस्य दो मुख्य शब्दों में है, मसीह में, मसीह के साथ मारे गए, मसीह के साथ गाड़े गए, मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ स्वर्ग स्थानों में बैठाए गए, मसीह में सिद्ध किए गए। यही संपूर्ण सुसमाचार है। मेरे मित्रों, आपका जीवन इस पृथ्वी पर दो बल का है, आज आप हैं, कल आप नहीं, कल आप हैं, कल आपकी पत्नी नहीं, कल आप हैं, कल आपके पति नहीं या आपके बच्चे नहीं। कल को किसने देखा? कल को किसी ने नहीं देखा। आज समय है अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपने का। आइए हम प्रार्थना करें और अपने जीवन को संपूर्ण रूप से मसीह को दें, ताकि हमारा जीवन मसीह के अंदर समाए और हम कह सके कि मैं जीवित ना रहा परंतु प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में जीवित है। मेरे मित्रों, जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं प्रभु, हमें जीना सिखा, ताकि हम अपने शरीर को तेरे हाथों में सौंप सके प्रभु, और परमेश्वर हमारा जीवन तेरे समान हो, हम तेरे साथ चल फिर सके। प्रभु, हमें एक आत्मिक जीवन दे, हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें कभी भी किसी भी वक्त फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। हमें आपके पत्रों का इंतजार है। परमेश्वर आपको आशीष दे। तेरे लिए कुछ भी नहीं, तेरी दया नहीं तो ये जीवन कुछ भी नहीं। मेरी ये धार्मिकता तेरे लिए कुछ भी नहीं, तेरी दया नहीं तो ये जीवन कुछ भी नहीं। मेरी ये धार्मिकता Thank you.
का घर है, इसमें बसा एक नगर है। ये जीवन माटी का घर है, इसमें बसा एक नगर है। कल क्या होगा किसको खबर है, विश्वास है जीवन की डगर मेरी ये धार्मिकता। तेरे लिए कुछ भी नहीं, तेरी दया नहीं तो ये जीवन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरी ये धार्मिकता। कितनी अजब सी बातें हैं, दर्पण सी दिन रातें हैं। कितनी अजब सी बातें हैं, दर्पण सी दिन रातें हैं। धुंधला सा जीवन लेकर हम धर्म कहलाते हैं, कहलाते हैं मेरी ये धार्मिकता। तेरे लिए कुछ भी नहीं। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।